पहले मैं अपने पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं अपना आई कंडेम द अटैक्स दैट हैव टेकन प्लेस इन बलूचिस्तान एंड मैं अपना शोक जाहिर करना चाहता हूँ. बहुत ही डास्टर्डली अटैक हुआ है आज क्वेटा में. कोई 50 से ज़्यादा वकील और जर्नलिस्ट मारे गए हैं और बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि ये इनह्यूमन सा एक आज का मसला रहा है ये. लेकिन हम कितने डीह्यूमनाइज हो रहे हैं पता नहीं पूरी दुनिया अपने सब कॉन्टिनेंट में और पूरी पूरी दुनिया में कि आज जब अस्पताल भी नहीं छोड़े जा रहे हैं स्कूलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है तो अब बच क्या गया. अब हम कहाँ स्कूल और अस्पताल जब के सैंक्टिटी को भी अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो अब कुछ कुछ बचा नहीं है. मैं बता रहा हूँ अब यहाँ से वापस कैसे चले. बात रही सैयद सलाहुद्दीन की तो आप देखो ये भी उतना ही डीह्यूमनाइज आदमी है. आपको शायद मालूम नहीं होगा कि सैयद सलाहुद्दीन को के बेटे को 2-3 महीने पहले कश्मीर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये फंसा हुआ था. गोलीबारी हो रही थी और इंडिया के कमांडोज ने उसको रेस्क्यू करके वहां से निकाला. वो सैयद सलाहुद्दीन से हमारा कोई ये नहीं है. वो न्यूक्लियर थ्रेट वो जो दे जो भी वो करता है उसका ये नहीं. लेकिन दुख की बात ये है कि जब आपके वो कश्मीर कैरेवन होता है जिसको ये लाहौर मार्च की जो कैरेवन की बात कर रहे थे उसमें सैयद सलाहुद्दीन शामिल होते हैं हफीज सईद के साथ. और ये हफीज सईद कश्मीरी भी नहीं है ये भी बता दूं. और ये आपके यहाँ कुछ जिहादी तंजीमें हैं जो ये गलती कर रही है ना ये सोचने की कि ये ठेका ले हुई है पूरी दुनिया के इस्लाम का. तो ये भी बिल्कुल उनकी गलत सोच है. इनके बाप दादा भी हिंदू थे तो अपने पुरखों को इस तरह से गाली मत दो ये हिंदू मुसलमान बना के. डीएनए एक ही है मैं बार बार कह रहा हूं. दूसरी बात यह है कि रही बात कि क्या आपने फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दिया है. जब आपने लड़ाई आउटसोर्स कर दी प्रॉक्सी वॉर ये जिहादियों के हाथ में तो फिर फॉरेन पॉलिसी की क्या बात है. आपकी फौज लड़ाई नहीं लड़ेगी. प्रॉक्सी वॉर में ये बच्चों को अपने नहीं भेजेंगे उनको सुसाइड बॉम्बर्स नहीं बनाएंगे. हफीज सईद अपने बेटे को कभी नहीं सुसाइड बॉम्बर बनाएगा. वो आपके यहाँ के लोगों को वो सियालकोट और जो रायविंड वाला जो कैचमेंट एरिया है उनको पकड़ के सुसाइड बॉम्बर बनाएगा. अरे साहब सोच लो आज रात को कि व्हाट बियॉन्ड सुसाइड बॉम्बर्स. अब सुसाइड बॉम्बर्स अब पहुंच गए अब इसके बाद क्या है. तो परमाणु बम की धमकी नहीं तो है उन्होंने. इसके बाद क्या होगा. आरएसएन साहब ठीक है लड़ाई झगड़ा. आरएसएन साहब आपका ये पॉइंट आया. ये कौन सी आइडियोलॉजी है जो जो कि ये सुसाइड बॉम्बर्स बच्चों को बना रही है और इस्लाम का ठेका ले रखा है. आरएसएन साहब ये जो क्या इस्लाम